डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय मधुमक्खी पालन केंद्र का ये भरसक प्रयास रहता है कि जो भी हम यहाँ पे काम करें वो कि जन जन किसानों तक जाए, ताकि वो उस चीज़ उस व्यवसाय को अपनाकर अपने जीवन में बहुत अधिक लाभ कमा सके। और हमारा जो मधुमक्खी पालन केंद्र है वहाँ पे भी अलग अलग तरह के रिसर्च चलते हैं मधुमक्खी को लेके, और यहाँ पे हम ट्रेनिंग भी बताते हैं कि अगर किसान भाई जो मधुमक्खी पालन करेंगे तो उनकी अगर वो जाके एज ए व्यवसाय के रूप में लेते हैं तो क्या उनका बेनिफिट है, ये सारा चीज़ उनको बताया जाता है। और इसी क्रम में मैं हमारे एक मधुमक्खी पालक हैं जो कि बहुत प्रगतिशील हैं और मुजफ्फरपुर के निवासी हैं, जिन्होंने 2006 में हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लिया था, जिनका नाम है अजय कुमार सिंह, और वो एक अच्छे मधुमक्खी पालक के रूप में उभरे हुए हैं पूरे मुजफ्फरपुर में। और अभी आप देखेंगे कि उनके पास मोर देन 1000 मधुमक्खी पेटिका है जो कि पूरे बिहार में करते हैं, फिर लेके जाते हैं यूपी लेके जाते हैं, एमपी लेके जाते हैं, झारखंड में लेके जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के मधुमक्खी हनी हमको उससे मिल सके। तो इसी दौरान मैं आया हूँ इनके फील्ड में देखने के लिए कि वो अभी क्या कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत एक सिस्टमेटिक ढंग से ये सारे बक्से को अरेंज करके रखे हैं, ताकि एक कोई भी दूसरे किसान को ये दिखा सकते हैं कि कैसे साइंटिफिक वे में हम बक्से का रख रखाव करें, ताकि इसमें कीट और रोग कम आए और यहाँ पे अधिक से अधिक वो हनी का उत्पादन ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे द्वारा दिया गया ट्रेनिंग जो हमारे मधुमक्खी पालक देखते हैं, अपनाते हैं और उसको करते हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे मधुमक्खी पालक केंद्र और हमारे यूनिवर्सिटी के लिए एक गर्व की बात है कि जो हम लोगों ने सिखाया वो उनको अपने जीवन में ला के वो इस व्यवसाय में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। शहद उत्पादन हमारे बिहार के किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा और लाभदायक कृषि मित्र व्यवसाय है। इसमें हमारे किसान जो है अलग अलग फसलों के समय उनके पराग से शहद बनाते हैं, और बिहार की विशेषता ये होगी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे लीची के जो शहद है वो हमें मिलता है, जो कि अन्य जगह नहीं मिल पाता है। इसके कारण इससे हमें हमारे किसानों को ज़्यादा पैसा भी मिलता है। लीची शहद से जो है वो स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा होता अच्छा होता है स्वाद में। प्लस उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है इन मक्खियों के पालन से कि जो हमारी फसलें हैं उनका पॉलिनेशन बेहतर होता है, परागण बेहतर होता है, उससे उन फसलों की उत्पादकता भी बढ़ती है। हमारे यहाँ पूसा कैंपस में और पिपराकोठी पूर्वी चंपारण में दो जगह शहद प्रोसेसिंग सेंटर हैं, जहाँ पे किसान अपना शहद लाकर उसे प्रोसेस करा सकते हैं और उससे जो है उनकी गुणवत्ता अच्छी रहती है और वो उसे बिक्री करते हैं। हम इसके अलावा जब प्रोसेस होता है तो उसके अन्य बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जिससे हमारे किसानों को अच्छा दाम मिल जाता है। जामुन का जो शहद है उसे लोग और जो ख़ासतौर से डायबिटिक वाले हैं वो उसे बड़ी चाव से लेते हैं और उसके लिए भी उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इस तरह शहद उत्पादन जो है हमारे किसानों की इनकम दुगनी करने के हमारे जो प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है उसके लिए ये बहुत ही सुटेबल है।